और दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्राम कुलैत में। जय बाबा जगन्नाथ और हारे के सहारे की जय, बाबा श्याम की जय और विंध्यवासिनी मैया की जय और बालाजी महाराज की जय। आज कुलैत ग्राम में यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और आज होली मिलन समारोह रखा गया है। जिला पंचायत सदस्य एवं अध्यक्ष वन समिति ग्वालियर शिवराज सिंह यादव जी के हाउस पे यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर सभी ग्रामवासी यहाँ पर आए हुए हैं और करीब 40 से 45 गांव की टीम यहाँ पर आई हुई है और साथ में यहाँ पर भजन संध्या भी रखी गई है, जिसमें राजस्थान के और इंडिया के जाने माने सिंगर भजन गायक भंवर कठाना जी भी यहाँ पर परफॉर्मेंस करेंगे। चलिए अब आपको अंदर लेकर चलता हूँ और अंदर अभी कन्हैया चल रहे हैं, यानी कि लोकगीत का कंपटीशन चल रहा है और अलग अलग गाँव की टीमें वहाँ पर आकर अपनी परफॉर्मेंस दे रही हैं। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ लोकगीत। हम यहाँ पर ग्राम कुलैत खेड़ा हाउस पर हम यहाँ पर मौजूद हैं शिवराज सिंह यादव जी के हाउस पर और यहाँ पर आप देख रहे हैं कई यानी कि हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं और अभी लोग घरों से निकल कर यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि आज बहुत बड़ी भजन संध्या यहाँ पर रखी गई है सभी ग्रामवासियों के लिए। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन, ये मुख्य अतिथि हैं और कार्यक्रम प्रायोजक हैं यानी कार्यक्रम आयोजक हैं शिवराज सिंह यादव जी, जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष वन समिति यहाँ पर। यहाँ पे अलग अलग ग्राम की टीमें आकर यहाँ पर कन्हैया की प्रस्तुति दे रही हैं और आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर यहाँ पर सभी आए हुए सभी हमारे ग्रामवासी पगड़ी सिर पर बांधी जा रही है सभी के, और आप देख सकते हैं सारी टोलियाँ यहाँ पर आई हुई हैं, दूर दराज से ग्रामवासी आज यहाँ पर आए हुए हैं होली मिलन समारोह में। टोलियां यहां पर गा रही हैं और कन्हैया की प्रस्तुति हो रही है और आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर ये कौन से ग्राम की टीम है? कुलैत गांव की। कुलैत गांव से। कुलैत गांव की टीम है और अभी कन्हैया प्रस्तुत कर रहे हैं। फेर रहे हैं कन्हैया के माध्यम से और आप देख सकते हैं ये स्टेज व्यवस्था रखी गई है यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन मंत्री जी श्री भारत सिंह कुशवाहा जी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर मौजूद रहेंगे। बस अब से कुछ ही पलों में वो यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं और फिर आपको दिखाएंगे, यानी कि अभी कन्हैया का दौर चालू होने वाला है और आपको लोकगीत और ग्रामवासियों का टैलेंट आपको दिखाएंगे आप ही के अपने वाले प्रोग्राम ग्वालियर मेला महोत्सव यूट्यूब फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर। ये प्यारा सा कार्यक्रम आप सबके लिए और होली मिलन समारोह ग्राम कुलैत कुलैत खेड़ा हाउस पर। और दोस्तों मेरे साथ आज भाई साहब यहाँ पर मौजूद हैं यादव समाज के अध्यक्ष, ग्वालियर जिले के अध्यक्ष हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और आगे की जानकारी भाई साहब से हम पूछते हैं कि क्या क्या खास है होली मिलन समारोह में और सभी समाज के बंधुओं को क्या संदेश दे रहे हैं। देखिए होलिका दहन के बाद
हम सब लोग आपस में मिलकर के एक होली का त्यौहार ऐसे मनाते हैं कि होली के समय पर सारे लोग पूजा पाठ में अपने घरों में व्यस्त रहते हैं। इसके बाद और अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में किसान भाई जब फ्री होते हैं, एक दूसरे से मिलने का त्यौहार होता है, एक दूसरे के करीब आने का त्यौहार होता है। और इस त्यौहार में आज एक चार चांद लगाए यहाँ शिवराज सिंह यादव, जो पप्पन यादव जी के पुत्र हैं, उनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री भारत सिंह कुशवाहा जी रहेंगे। वो कुछ ही देर में यहाँ आने वाले हैं। उनके सानिध्य में ये सारे कार्यक्रम रखे गए हैं और होली मिलन के माध्यम से क्षेत्र के ग्रामीण विधानसभा के सारे लोग यहाँ एकत्रित होकर एक दूसरे से मिलते हैं, अपनी बात रखते हैं। और ये जो ये गवाही का इनका कार्यक्रम चल रहा है, एक कहिए एक भावनात्मक कार्यक्रम है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण भाई लोग आपस में मिलकर, इसमें कोई बाहर का गाने वाला नहीं है, ये लोग खुद एक गांव की टोली होती है, उसके सामने दूसरे गांव की टोली खड़ी होती है, एक दूसरे के मध्य मिल करके अपनी खुशी जाहिर करते हैं और होली पर एक उमंग का और उत्सव का माहौल क्रिएट करते हैं। और इसी माहौल को लेकर के हम सब लोग यहाँ आए हैं, आपके साथ इस माहौल के साथ ही बने हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, बस कुछ ही पलों की देर है और कुछ पल के इंतज़ार के बाद आपको दिखाने वाले हैं एक से बढ़कर एक कन्हैया, यानी कि सुनाने वाले हैं सभी ग्रामवासी और करीब 30 से 40 गांवों की टीम यहां पर आई हुई है। और अभी ये कार्यक्रम भी आपको दिखाएंगे और भजन संध्या बस कुछ ही पलों के बाद चालू होने वाली है, जिसमें भंवर कठाना जी, जिन्हें आप हाँ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और बड़े बड़े प्रोग्रामों में आप देखते रहते हैं, यानी कि छज्जे ऊपर बोयोरे बाजरा, खिल गया फूल चमेली का, कई सारे हिट सॉन्ग दे चुके हैं भंवर कठाना जी और गायिका संध्या चौधरी, और साथ में म्यूजिकल ग्रुप राजीव म्यूजिकल ग्रुप रहेगा और ग्वालियर के जाने माने सिंगर और वॉइस ऑफ ग्वालियर जो रह चुके हैं साजिद भाईजान, वो भी यहां पर रहेंगे और भावना भदौरिया जी भी इंटरनेशनल कलाकार यहां पर अपनी प्रस्तुति देने वाली हैं बस कुछ ही पलों के इंतज़ार के बाद। चलिए आपको दिखाते हैं ये प्यारा सा कार्यक्रम और सुनाते हैं आपको प्यारे प्यारे भजन। और मेरे साथ में शिवराज सिंह यादव जी के पिताजी और हमारे प्यारे से अंकल जी पप्पन सिंह यादव जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और सभी ग्रामवासियों के यानी कि सभी व्यवस्था में अभी व्यस्त हैं, पर फिर भी हम दो शब्द उनसे सुनना चाहेंगे और सभी ग्रामवासियों को होली की शुभकामनाएं आपके। पहले तो सबसे पहले आप लोगों को, आपकी टीम को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं, और ग्रामीण जनों को यहाँ जितने जो लोग आए हैं दूर दूर ग्रामीण जन हैं, उन सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से यही प्रार्थना है कि ऐसे ही पर्व हिंदुस्तान में मनते रहें और मनते भी रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे को गुलाल लगाना, आपको भी लगाइए है, तो सबको ऐसे ही प्रसन्नता रहें, भगवान से यही कामना है। बस होली की शुभकामनाएं आप सबको, पूरा परिवार यहाँ पर एकत्रित, बिल्कुल सबकी सेवा में, सबकी सेवा में भगवान की तरह सबकी पूजा कर रहे हैं हम लोग। सब लोग जो समझ रहे हैं कि ये भगवान आ गए हैं, ठाकुर जी चल के वृंदावन से आ गए हैं, उनके ग्वाल सखा गए, उनकी सबकी सेवा में हम लोग पूरे परिवार सहित हमारे गाँव के सभी भाई लोग सब उसी में लगे हैं, सेवा करने में ही लगे हैं कि सब लोग भगवान का स्वरूप मान के सबकी सेवा कर रहे हैं, सबको बांके बिहारी का स्वरूप मान रहे हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोल जगन्नाथ महाराज की जय। सब साथ मौजूद हैं जनपद उपाध्यक्ष जी, सर मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं घाटीगाम ब्लॉक से। सर आज कैसा लग रहा है यहां? बहुत अच्छा लग रहा है साहब, बहुत अच्छा लग रहा है। और ग्रामवासियों से आज मुलाकात भी हो रही है, सभी से मुलाकात हो रही है, अच्छे अच्छे कई साल पुराने जो मित्र हैं हमारे पार्टी के लोग हैं वो सभी लोग आज मिल रहे हैं और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छा साहब, और पप्पन पहलवान जी तो करते ही रहते हैं वैसे कार्यक्रम, लेकिन आज पार्टी की ओर से हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कन्हैया चालू हो चुके हैं, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। Yeah.
और एक दूसरे को कन्हैया देते हुए साथ अभी मौजूद हैं घाटी गांव जिला जनपद अध्यक्ष बरसा दिलीप सिंह रावत जी और हमारे बड़े भैया और हम प्यार से हम दीपू भैया भी बोलते हैं हमारे भैया से, हमारे भैया यहां पर मौजूद हैं। भैया जी आज कैसा लग रहा है यहां पर? बहुत अच्छा लग रहा है। और आजकल क्या है कि ये हम लोग बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं कि सब कुछ का आजकल मोबाइल की दुनिया से कुछ सब उसी में उलझ के रह गए हैं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया शिवराज भैया ने और ऐसे होता रहना चाहिए, इससे आपसी सामंजस्य सौहार्द बढ़ा रहता है सामाजिक रूप से, बहुत अच्छा है। अभी जनपद के सभी ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं होली के इस होली के शुभ अवसर पर? सबसे यही कहना चाहूँगा सब एकजुटता के साथ अच्छे से गाँव में रहें, अपने अपने गांव को स्वच्छ बनाएं, साफ रखें, बस इसी। क्योंकि आप जब सरपंच भी आप रह चुके हैं तो आपका गांव मध्य प्रदेश में नंबर वन पे था, आप जब सरपंच रहे हैं तो और क्या संदेश देना चाहेंगे सभी ग्रामवासियों को? और बहुत अच्छे प्लेयर भी रहे हैं भैया हमें भी क्रिकेट, जब हम छोटे छोटे थे तो हमको क्रिकेट बहुत खिलाया है भैया ने। सभी जो युवा हैं, युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा को बस यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने मेहनत करें और अपने गांव को स्वच्छ बनाएं, जो भी मतलब अपने देश हित में जो भी काम कर सकते हैं अच्छे से अच्छा वो सब करके।
बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका ग्वालियर मेला महोत्सव डैन मीडिया की ओर से, आपको भी हैप्पी होली। जय श्री श्याम दोस्तों। और इतने दिनों से जो मैं बता रहा था, भावना भदौरिया जी इंटरनेशनल भजन गायिका और अपने भजन के माध्यम से सभी श्याम प्रेमियों को और सभी इंडिया के वासियों को अपना यानी कि भगवान श्याम से जोड़ा है, और कई सारे भजन में अपनी आवाज़ का जादू उन्होंने बिखेरा है। और हमारे साथ में ऐसी प्रख्यात गायिका भजन गायिका हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, भावना भदौरिया जी। मैम आपको जय श्री श्याम और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी जी। आज ग्राम कुलैत में जी यहाँ पर आपकी भजन संध्या है, तो यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है ग्राम वासियों के बीच? बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर आई हूँ और मुझे कार्यक्रम धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ पर भी सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है। काफ़ी खुश हूँ मैं। काफ़ी खुश हूँ मैम। आपका जो अभी नया सॉन्ग जो रिलीज होने वाला है, वो सॉन्ग की दो कड़ी हमारे सभी ग्वालियर वासी और ग्राम वासी जी बिल्कुल। मैं तो हो गई रे शाम की दीवानी, जुगन बन नाचूंगी। मैं तो हो गई रे शाम की दीवानी, जुगन बन नाचूंगी। कोई रोको ना कोई टोको, मैं दीवानी हो गई लोगों, रस प्रेम काज मैं चाखूंगी, जुगन बन नाचूंगी। मैं तो हो गई रे शाम की दीवानी, जुगन बन नाचूंगी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जैसे आप 4 मिलियन लोग हमारे पेज को फॉलो कर रहे हैं, मैम का भी पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। पास आ जाएं। मैं चाहूंगी कि आप सभी का प्रेम के बिना ये संभव नहीं है, इसलिए मेरा पेज है भावना भदौरिया के नाम से, तो उस पर आप सभी प्रेम बरसाएं, बस इतना ही चाहूंगी। जय श्री श्याम। पेज को भी आप